खखरावाला। कुठे होतीस तू? क्या हुआ था? अरे हम लोगों को कितनी फिक्र हो रही थी बेटा तेरी। हाँ दिव्या, कहाँ रह गई थी? अरे कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ सूचे के घर पर ही थी। अरे माँ, हम सूचे के घर पर जाकर आए, वहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट सूची और दिव्या वो स्टार इवेंट की पार्टी में गए थे, जिसके पासिस मिले थे ना उसे मॉल में। दिव्या क्या हुआ? आ गई थी आज। कहाँ गई थी? सूची की पार्टी का नाम लेकर मैं उस बड़ी पार्टी में गई थी। मैंने आपसे झूठ बोला माँ, सॉरी। मुझे माफ कर दो माँ, वेरी सॉरी। इससे मैं ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। माफ नहीं कर सकते तो मुझे डांटो, मारो, मेरी गलती की सजा दो मुझे, लेकिन किन्हीं से चुप मत खड़ी रहो। क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? लेकिन मैं क्या? Shut up! मैं भाई वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी भैया। क्या मतलब है सॉरी? तुझे पता है, तूने कभी सोचा कि यहाँ पे मैं, ये निलय, उदय, माँ सब कितने परेशान थे तेरे लिए? तुम क्या, तुम्हें ऐसा? मेरा उस पार्टी पे जाने का बहुत मन था, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैं क्या करती? क्या करती मतलब? हमें आके बोलती, हम माँ से बात करते, हम उसे मनाते, लेकिन तूने? लेकिन भाई, सूची की बातों में आ गई। जब उसने कहा कि जिंदगी में छोटे मोटे झूठ अपनी खुशी के लिए बोलना गलत नहीं है। सीरियसली शेमोन, तूने सोचा सिर्फ अपने बारे में, पर अपनों पे क्या गुजरेगी ये नहीं सोचा तूने, माँ पर क्या गुजरेगी ये भी नहीं सोचा तूने। दिव्या, तुझे पता भी है कि तूने माँ को कितना परेशान किया? एक एक पल तेरी चिंता में मरी जा रही थी माँ। तुझे पता है दिव्या, तूने जिससे झूठ बोला है ना, उस माँ के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही सच है, हम उसके बच्चे। देख दिव्या, मेरे सामने देख, उस माँ ने अपना एक एक दिन, एक एक पल खुद को जलाया और हम लोगों को बड़ा किया। तूने उस माँ से झूठ बोला दिव्या। माँ आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रही होगी, पर वो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। दिव्या ने गलती की है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बात संस्कारों की है। सिर्फ सॉरी कह देने से कुछ गलतियां मिट नहीं सकती। एक और पपड़ी।
अरे उधर नहीं, इधर आइया छू। क्यों चुप है? हंसना। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी। जब भी गुस्सा होती थी यूं अकेले कोने में जाकर मूर्ति बन जाती थी। और मैं समझता रहता था कि जिस बात पर गुस्सा है उस बात पर लड़के अपना गुस्सा निकाल देगी, दिल हल्का करेगी। यूं गुस्सा अंदर रखने से दुख बढ़ता है गोल पापड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह कमाल है, यूं तो अकेले दुनिया से लड़ लेती हो और अपनों के सामने हार जाती हो। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझसे तो बात करो। शु बात करूं? कभी सोचा हमारी बेटी दिव्या झूठ बोलेगी? मुझसे झूठ बोला उसने, माना कि उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा और उसकी दोस्त सूची ने कहा, लेकिन सूची ने तो उसके लिए झूठ का रास्ता बनाकर दिखा दिया ना, और हमारी बेटी दिव्या उस पर चल पड़ी। मैं उससे बात नहीं करूंगी, बचपन में वो मुझसे रूठ जाती थी, आज मेरी बारी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। बराबर है, मत करो माफ, मैं भी होता तो ऐसे ही करता। लेकिन वो रो रही होगी ना? रोने दो उसे, यूं ही पछतावे में परेशान होकर घुटने दो, है ना? मैं झूठी हूँ, मैंने माँ से झूठ बोला है, सॉरी माँ, मैं तेरे विश्वास के लायक नहीं, सजा दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिव्या अगर तुम्हें 1000 बार सॉरी कहेगी तो तुम उसे माफ करोगी? नहीं? अरे बाबा अब तो गुस्सा छोड़ो, तुम्हारे गोल गोल चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता, यूं लगता है कि गोल पापड़ी जल के खाक हो रही है। तुम्हें पता है एक पेंसिल होती है जो लिखने का काम करती है, कभी कभी लिखते हुए उससे कुछ गलतियां हो जाती है, पर बेचारी पेंसिल गलती करने के बाद वो उस शब्द को ठीक नहीं कर सकती। उस शब्द को ठीक करने के लिए एक रबर की जरूरत होती है जो उस गलत शब्द को मिटाकर सही कर देते हैं। क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि हम माँ बाप रबर की तरह होते हैं और हमारे बच्चे पेंसिल। बच्चे गलती करेंगे, हमें उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती तो कर देते हैं पर उन्हें सुधारना नहीं आता, वो काम हमारा है। गोल पापड़ी इतना ही नहीं, तुमने कभी सोचा है पेंसिल की गलती को सुधारते सुधारते वो बेचारा रबर यूं ही घिसता रहता है, मिटता रहता है, लेकिन खुद मिट के खत्म हो जाने तक वो पेंसिल की गलती को सुधारता ही रहता है, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता। दिव्या तो सोई नहीं अब तक? कैसे नींद आएगी भाई, जी करता है कि ऊपर से नीचे कूद जाऊं। चल कहां कूदना है ना तुझे, मैं तेरी हेल्प करता हूं। चल भाई। क्यों क्या हुआ, क्या लगता है तुझे ऐसे करने से माँ खुश हो जाएगी, तुझे माफ कर देगी, मान जाएगी माँ? नहीं, मैं माँ को खुद मनाऊंगी,
उन्हें कहूंगी कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस कर अभी रोना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। चल, अब कुछ मत सोच और शांति से सो जा, ठीक है? झूठी हूँ, मैंने माँ से झूठ बोला। आई एम सॉरी मॉम, मैं तेरे विश्वास के लायक नहीं हूँ, सजा दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। झूठा तो मैं भी हूँ, मैंने भी माँ से झूठ बोला है। मेरी ट्रेनिंग छूट जाने के बाद मैंने माँ से छुपाई है। मैं भी माँ का गुनहगार हूँ। तो किससे बातें कर रहा था बेटा? फ्रेंड का फोन था, वो कुछ परेशान था वहां, तो बस उसी से बात कर रहा था। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम दिव्या तो नादान है, बच्ची है, पर मैं तो नहीं हूं ना। फिर भी मैंने माँ से ये बात छुपाई कि मेरी इंटेंशन छूट गई हूँ। आई हेट माई सेल्फ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंदम प्रभातकर दर्शनम। जयंबे, साल मुबारक गुलबादी। क्या हैप्पी न्यू ईयर, क्या साल मुबारक। कैसी शुरुआत हुई है इस नए साल की? अब शुरुआत कैसे होगी ये तुम पर निर्भर है ना, तुम ही तय करो। दिव्या को माफ करके एक अच्छी शुरुआत करोगी नए साल की, या यूं ही तनाव का माहौल बनाए रखोगी? दिव्या ने माँ को मनाने की कोशिश तो अच्छी की,
पर माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। अरे दिव्या ने माँ को बहुत हर्ट किया, माँ की असर नहीं हुआ। अरे वाह बेटा, नए साल की नई सुबह में तुम अपनी माँ को खुश कर दोगी। काश ऐसा हो कि माँ खुश हो जाए। जयम्बे बापूजी, दिव्या ने माँ मैंने चाय भी बना ली और दूध भी गर्म कर दिया और दाल चावल भी रख दिए, सब्जियाँ भी काट ली, रोटी बनानी बाकी है सिर्फ। आप आराम कीजिए, मैं सब काम कर दूंगी। माँ सॉरी कार्ड? बचपन में सुनाई थी जिस माँ ने प्यार भरी लोरी, आज उससे मैं कहती हूँ सॉरी सॉरी सॉरी। जिसने रात जग जग के मुझे बड़ा किया उसको ही मैंने कल रात रुला दिया। मैं हूँ बहुत बुरी बुरी बुरी। आई एम वेरी सॉरी सॉरी सॉरी। माँ माँ, आपने नोटबुक देखी? इसमें दिव्या ने हजारों बार लिखा है कि उससे गलती हो गई। माँ जीत तो रहे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जीत तो रहे। हैप्पी न्यू ईयर। जीत तो रहे। माँ